নমস্কার, আপনারা দেখছেন সংবাদ পরিবর্তন। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর সংবাদ পরিবর্তন আপনাদের সামনে তুলে ধরছে। নুপুর শর্মার মন্তব্যের জেরে পাক সার্কাস 7 পয়েন্ট অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, রাজাবাজার থেকে শুরু করে, তপসিয়া থেকে শুরু করে হাওড়া বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ছোট ছোট মিছিল আসতে শুরু করে এবং মিছিলটি শেষ হয় পাক সার্কাস 7 পয়েন্টের দিকে, যেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মানুষ আজ সেখানে উপস্থিত হয়েছিল নুপুর শর্মার শাস্তির দাবিতে। আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে বলবো সেই চিত্রটা সময় একবার দেখিয়ে দাও দর্শকদেরকে। যেভাবে ওনারা আন্দোলন করছেন, আজ পাক সার্কাস 7 পয়েন্ট আজ অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নুপুর শর্মার মন্তব্যের জেরে পাক সার্কাস 7 পয়েন্ট অবরুদ্ধ, সেই চিত্র সংবাদ পরিবর্তন প্রথম আপনাদের সামনে তুলে ধরছে। তাই নজর রাখতে ভুলবেন না সংবাদ পরিবর্তনে। ক্যামেরায় সোমেন হাজরার সঙ্গে সত্যেন সরকার, সংবাদ পরিবর্তন। भाजपा जब आए थे तो 3 तलाक भी उठा दिया था, उस टाइम तो मुस्लिम लोगों ने सपोर्ट किया था। अभी आप दिखा दीजिए कौन मुस्लिम जी, हम किसी को निकाह पहला खड़ा करते हैं वो मुस्लिम हो जाएंगे, हम टिक लगा लेंगे तो हिंदू हो जाएंगे। मुस्लिम अपना दिल से होता है। पहली बात तो हमारे नबी फरमाया है कि पहले कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू होता ना मुस्लिम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहले इंसानियत को जिंदा रखो, जिसके अंदर इंसानियत उसका मजहब ऐसे ही हम लोग सलूट करते हैं। तो ये कोई हिंदू मुस्लिम खेल नहीं, आ रही उसका खेल खेला गया है। नुपुर शर्मा का औकात नहीं है जो मैं नबी के बारे में गुस्ताखी कर सके। ये नुपुर शर्मा का तो सस्पेंड कर चुका है, सस्पेंड से हम लोग दिल नहीं मिला, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सख्त सजा मिला जाए। वो आज सिर्फ मुसलमान को नहीं छेड़ो, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छेड़ा, पूरा उम्मत उनका दिया हुआ हम लोग का तोहफा है। हम यहाँ मुसलमान नहीं, यहाँ हिंदू भी शामिल है। जरूरी नहीं कि खाली मुसलमान है, हिंदू भी साथ में हम लोगों के साथ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अल्बी खान। देखिए डिमांड क्या करेंगे, डिमांड कुछ नहीं है। हम लोग को सजा का मांग करते हैं हम लोग यहाँ से। डिमांड कुछ कहाँ कहाँ किया जाता है, जो डिमांड नहीं सुना जाता है यहाँ, तो सुनने वाली बात है। आपको किसी कीमत को भी सुनना पड़ेगा। आज हम पाक सर्कस ग्राउंड से, हम लोग पाक सर्कस लेडी बर्मन कॉलेज के पास से, हम लोग जिस तरह से नबी की शान में, नबी की अजमत को बयान किया हम लोगों ने, तमाम मुफ्ती, तमाम इमाम और तमाम बंगाल के मुख्तलिफ इलाके से लोग आए, और ये तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि नबी की उम्मत
ने ये दिखाया मोहब्बत कि मुसलमानों को कमज़ोर ना समझा सके, क्योंकि कोई कमज़ोर नहीं है। आज हक की आवाज़ उठाने के लिए तमाम लोग हाजिर हो गए, और सिर्फ ये लब्बैक जो किया, ये आवाज़ फाउंडेशन के बैनर तले लब्बैक ऑर्गेनाइज़ किया हम लोगों ने। हम लोगों का मकसद ये था कि एक पीसफुल और सच और हक को हम लोग को साबित दिखाना है कि हक और सच जो है हमेशा आगे रहता है। तो हम लोग को यही है कि नुपुर शर्मा जैसी बेनकाब, जिस तरह से ये बयान दिया, गंदा बयान दिया गया, गालियां दिया गया, तो उसके खिलाफ बीजेपी ने क्यों रिएक्शन दिया? जब कुछ बाहर के कंट्री ने एक्शन लिया तब जाके इनको होश आया, तो नुपुर शर्मा को बर्खास्त किया गया, टेम्प्रोरी किया गया है। हम लोग का डिमांड है कि हमेशा के लिए उसको बर्खास्त किया जाए, और हम तमाम लोगों को ये मांग है कि बंगाल से खासकर ये डिमांड है मुसलमानों का कि हम लोग तमाम लोगों को बंगाल से ये डिमांड करते हैं कि नुपुर शर्मा को आपको अरेस्ट करना होगा। आपने अभी तक नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये जवाब मांगती है बंगाल के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान। आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक है, ऐसी कौन सी बात है जो आपने अभी तक अरेस्ट नहीं किया? अगर हम बंगाल के सरजमीन से अगर कुछ भी अगर एक अलग भी अगर बोल देते हैं तो UPA लगा दिया जाता है। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार मुसलमानों के साथ क्यों? ये बंगाल से हम लोग जानना चाहते हैं, आखिर ये मुसलमान जानना चाहता है कि आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार BJP क्यों कर रही है। और ख़ासकर हमें बंगाल की गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, इल्तिजा है कि आपके तमाम मंत्री, खासकर माइनॉरिटी के नेता, आखिर जुबान में क्या ताला लगा है, उनका बयान क्यों नहीं आता है, ये लोग जानना चाहते हैं। आप तो वोट के टाइम में आ जाते हैं, लेकिन आज गरीब किसान की गुस्ताखी हुई तब आपका बयान तक नहीं आ रहा है, तो भरोसा कैसे करें मुसलमान? ये जानना चाहते हैं लोग। और अगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है तो आवाज फाउंडेशन के जाने से आज जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, तो हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया, एक हफ्ता का अल्टीमेटम देना चाहते हैं बंगाल के सरजमीन से, अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया तो एक हफ्ता का अल्टीमेटम देते हैं, एक हफ्ता के अंदर हम लोग शहीद मीनार जाएंगे अगले जुमा को। अगर नहीं, एक हफ्ता के अंदर अरेस्ट नहीं किया गया तो अगले हफ्ता को जुमा को हम लोग शहीद मीनार जाएंगे, वहाँ हम लोग धरना देंगे, वहाँ से आंदोलन करेंगे। हम जानना चाहते हैं बंगाल के गवर्नमेंट और बंगाल के माइनॉरिटी नेता से कि आपका रोल क्या है। हम लोगों ने आपको मिनिस्टर बनाया, हम लोगों ने आपको काउंसिलर बनाया, हम लोगों ने MP बनाया, MLA बनाया, इसलिए नहीं बनाया था। फैसल खान में आपसे सवाल करो, मामला अभी BJP सरकार का है, आप माइनॉरिटी से क्यों सवाल कर रहे हैं? आपको सवाल उनसे करना चाहिए जो सवाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मामला है, आप माइनॉरिटी से सवाल क्यों? पहले अरेस्ट का सवाल हम BJP सरकार से ही कर रहे हैं। माइनॉरिटी, हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल के शहरी है, हमारे बंगाल के बड़े बड़े नेता है, पूंजीपति नेता है, उनका राइट है बोलने का कि नहीं। क्या आज ISF के नेता जो भी एक साथ, वो भी आज ऑपोजिशन में, ISF का बात नहीं करता। ये जो मंच बना था ये ISF का मंच नहीं था, ये सेकुलर पीसफुल मंच था। माइनॉरिटी की बात की तो मैं, आप भटकाए नहीं मीडिया, आप जो TNK न्यूज भटकाने की कोशिश नहीं करे, ये नबी का जलसा था, ये नबी किसान का था, यहाँ ISF का बोल के भटकाने की कोशिश नहीं करे। आप तो मुसलमानों की बात करें, आप माइनॉरिटी की बात करें, आप ऐसे बोल के पॉलिटिक्स नहीं करें। ये इकलौता मंच था जो कि सेकुलराइज था, यहाँ पे जो है गैर कौम ने भी आकर अपना होगा कि जावेद खान साहब भी आए थे मुसलमान बनकर के, कोई नेता बनकर के यहाँ नहीं आए थे, मुसलमान बनकर के आए थे, वो TMC के, तो क्या ISF के वो भी हो गए क्या? ऐसा नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंच है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो मैं डिमांड करता हूँ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो सेकुलर गवर्नमेंट है उसको भी राइट है आवाज उठाने की, क्योंकि वोट लेने का अगर आपको अधिकार है। ममता बनर्जी ने इसके लिए ट्वीट किया, ममता बनर्जी ने तो FIR भी किया है, और ममता बनर्जी के ऊपर भी FIR हुआ है, सतीश अवसी के ऊपर भी FIR हुआ है इस मामले को लेकर। देखिए FIR हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी के जो तमाम माइनॉरिटी का जो नेता है, काउंसलर, MLA, MP, जो बड़े बड़े उर्दू दां हैं, बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, आखिर खामोश क्यों हैं? ये लोग जानना चाहते हैं, ये सवाल हम लोग उठा रहे जनता की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ, ये मुसलमानों की तरफ से सवाल है, ये मेरा राइट है, संविधान अधिकार है कि हम अपनी आवाज़ को आपके मीडिया के माध्यम से बात रखें। लोग जानना चाहते हैं कि ये सरकार जो सेकुलर सरकार जो बोलती है, ये सेकुलर सरकार के मुँह में ताला क्यों है? यही तो लोग जानना चाहते हैं, जो मुसलमानों को रहनुमा बनते हैं,
मुसलमानों के जो खैरखा बनते हैं, आखिर हर मुद्दे पे हिजाब के मुद्दे पे चुप हैं आप नबी की शान में गुस्ताखी, उस पर खामोश है। खामोश का राज क्या है? आपको क्या कोई सत्ता सता रही है या आपको चेयर सता रही है? आखिर वो बात जानना चाहते हैं हम लोग। इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को डरा के आप सत्ता में हासिल नहीं कर सकते, मुसलमानों की आवाज दबा करके आप सत्ता में नहीं बैठ सकते। अगर मुसलमान बैठाना जानते तो उखाड़ना भी जानते हैं। तो आप कभी किसान में गुस्ताखी में अगर शरीक नहीं होंगे, अगर साथ नहीं देंगे, तो आने वाले वक्त में आपको होशियार रहना पड़ेगा।